सभी अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, लेकिन राजनगर विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार इमरान खान का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला है। नेताजी अपना नामांकन पत्र भरने अपने समर्थकों के साथ तो छोड़िए, साहब गधे पर बैठकर पहुंच गए। नेताजी गधे की सवारी करते रहे और लोग उन्हें हैरानी भरे नजरों से देखते रहे। राजनगर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे इमरान खान गधे पर बैठकर नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे तो लोग भी देखते रह गए। नेताजी गधे पर बैठे थे और समर्थक पूरे जोर शोर के साथ नारे लगा रहे थे। इमरान खान अब तक 6 चुनाव लड़ चुके हैं। हर चुनाव में इमरान को ना सिर्फ हार मिली है बल्कि हर बार जमानत भी जब्त हो गई है। खैर, इस बार लोग इमरान को वोट करके जीत का तोहफा देंगे या नहीं, ये तो मतगणना के दिन ही पता लगेगा। पर इतना जरूर है कि गधे की सवारी करके इमरान ने लोगों का ध्यान अपनी ओर जरूर खींच लिया है। इमरान खान का कहना है कि यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि ग्रामीणों के बीच नहीं रहते और ना ही ग्रामीणों की समस्या सुनते हैं, इसलिए जो जनप्रतिनिधि जनता के मुद्दे नहीं उठाता उसे गधे पर बैठा कर घुमाना चाहिए। मैं किसानों के हित में काम करना चाहता हूँ, यहाँ पर सभी व्यवस्था चरमराई हुई है। मैं इसलिए अनेक तरीके से आया हुआ हूँ क्योंकि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सरपंच हों, जनपद हों, जिला पंचायत सदस्य हों, चाहे विधायक हों या सांसद हों, वो लोग जीतने के बाद 5 साल तक ग्रामीणों के बीच में नहीं रहते हैं, ना उनकी समस्याएं सुनते हैं, ना उनका निराकरण करते हैं। इसलिए जो भी जनप्रतिनिधि है, चाहे वो विधायक सांसद कोई भी हो, अन्य जनप्रतिनिधि हो, अगर वो काम नहीं करते हैं तो उनको इसी तरीके से गधे पे बैठा करके, मैं जूतों की माला पहन के आना चाह रहा था लेकिन निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार वो थोड़ा सा अलग था, उसमें गड़बड़ हो जाता था, इस वजह से मैं ये सब्जी की माला पहन कर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।